तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि गाइस हम पहुंचे थे नैनीताल। बाकी अभी हम जाने वाले हैं यहाँ पे माल रोड एक्सप्लोर करने के लिए नैनीताल का। नीचे जो रोड देख रहे हैं ये मेरे रूम से व्यू है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपने रूम पे, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। ये कुछ ऐसा रूम दिखता है मेरा जिसमें हम स्टे कर रहे हैं आज रात, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है अपने रूम से। चलिए इस कर्टेन को वापस से लगा देते हैं और चलते हैं माल रोड नैनीताल एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा अगर आपने नहीं करा है तो। और भाई आप देख रहे होंगे कि मैं नैनीताल में अभी हाफ टी शर्ट में घूम रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या ना कि हमारे जो कपड़े हैं ना, हमारा बैग गाड़ी में, गाड़ी हमने पार्किंग में पार्क करके, क्योंकि यहाँ पे मॉल रोड के पास में जितने भी होटल्स हैं ना उनमें पार्किंग नहीं होती है, क्योंकि मॉल रोड छोटा सा होता है, मतलब रोड होता है उस पर लोग चल रहे होते हैं तो यहाँ पर पार्किंग करने नहीं देते हैं। तो पास में ही है पार्किंग, लेकिन गाड़ी में कपड़े हैं तो मैंने निकाले ही नहीं अभी और हाफ में ही घूम रहे हैं। चलिए देखते हैं, अगर मॉल रोड पर कुछ पसंद आया तो अपने पहनने के लिए भी ले लेंगे स्वेटर वगैरह। मम्मी ने तो शॉपिंग कर ली थोड़ी बहुत, देखता हूँ मुझे कुछ पसंद आता तो मैं भी ले लूँगा। बाकी चलते हैं मॉल रोड एक्सप्लोर करते हैं। मम्मी पापा नीचे जा चुके हैं, चलते हैं। रूम की चाबी ले ली मैंने और कुछ भूल तो नहीं रहा, मोबाइल ले लिया, पावर बैंक छे पे। तो यहाँ पे क्या ले रही हो, चप्पल? तो यहाँ पे मम्मी जो है चप्पल वगैरह ले रही है कुछ। भाई मेरे सिर में दर्द होने लगा क्योंकि मैं हाफ कपड़ों में घूम रहा था ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी जस्ट मैं ये पीछे देख रही, ये वाला होटल रूम है और ये वाला मार्केट जो देख रही है, बड़ा बाजार। बारिश ही हो रही है क्या? बारिश हो रही है, बूंद सी पड़ी नहीं, पड़ रही है तो ये हाँ पड़ रही है, फिर पड़ी, हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है। तो ये वाला मार्केट जो देख रहे हैं ना आप, ये बड़ा बाजार है। बड़ा बाजार ही कहते हैं ना, हाँ बड़ा बाजार कहते हैं इसको। और यहाँ से जस्ट सामने दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे माल रोड आ जाएगा, यहाँ से लेफ्ट होंगे माल रोड आ जाएगा, बाकी सामने अपना पार्किंग है। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग में सबसे पहले, क्योंकि ठंड लग रही है भाई। हाफ कोई भी हाफ कपड़ों में नहीं घूम रहा, सब जैकेट वगैरह डाल के घूम रहे हैं। तो पहले गाड़ी में जाके सामान ले लेते हैं कुछ कपड़े पहनने के लिए। पापा ने भी हाफ टी शर्ट डाल रखी है। ये रहा पार्किंग, देखो सामने में जस्ट। तो चलिए अभी पहन लिया है भाई मैंने, हुडी डाल लिया है भाई, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा मुझे सच्ची में, सर में दर्द हो रहा था, दवाई लेनी पड़ेगी। बाकी अभी निकल रहे हैं माल रोड की तरफ, पार्किंग से पास में ही है यहाँ से, मुश्किल से होगा 150 मीटर। और यहाँ पे बूंदा बांदी भी स्टार्ट हो गई है भाई, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो भाई ये जो सामने की आपको चकाचौंध भरी मार्केट दिख रही है, यही है माल रोड नैनीताल का। और ये देखिए स्टार्ट होते ही बियर एंड लिकर शॉप। तो ये देखिए मॉल रोड स्टार्ट होते ही ना, यहाँ से सीधा आप जाएंगे, पूरा माल रोड है। यहाँ से राइट जाएंगे, इधर लेक है और वहाँ पर नैना देवी मंदिर है, इधर सामने में लेक है इस तरफ में। और ये पूरा जो देख रहे हैं वॉकवे, ये पूरा है माल रोड है नैनीताल का। यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक इधर एक उधर, तो दोनों के लिए ट्रैफिक के लिए उसमें गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन शाम को जो है 6:30 के बाद जो है ट्रैफिक इस रास्ते पर रुक जाता है, क्योंकि क्राउड जो है ज़्यादा बढ़ जाती है इस पर, तो कोई भी मतलब कार अलाउड नहीं करते इस वाले रास्ते पर। ये वाला जो है माल रोड वाला रास्ता, उस पर देख रहे होंगे गाड़ियाँ चल रही हैं उस वाले रास्ते पर। बाकी अगर आप यहाँ पे आते हैं ना तो आप बाइक रेंट या फिर स्कूटी रेंट करके भी पूरा नैनीताल एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेरे समझ से सोलो ट्रैवलर के लिए वो बेस्ट रहता है भाई, कहीं भी आप जाते हैं हिल स्टेशन पे, वहाँ पे एक बाइक या स्कूटी रेंट कर लो, वो बेस्ट रहता है। क्योंकि यहाँ के जो लोकल ट्रैवलर्स होते हैं या फिर कैब वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं भाई कोई भी पॉइंट पर ले जाने के लिए। जैसे आज हमें ले गए थे 8 पॉइंट पर, हमें 1500-1600 रुपये बता रहे थे वो, लेकिन बार्गेनिंग कर करके हमने उसे 800 के करीब करा था, फिर वो लेके गए थे। तो ऐसे ही अगर बार्गेनिंग करना चाहते हैं तो आके बार्गेनिंग कर सकते हैं। बाकी आप पे है कि आप बाइक या स्कूटी रेंट करके आराम से घूम सकते हैं। ये क्या हो गया भाई, जज्बात बदल गए, लाइट चली गई माल रोड की, देखो अंधेरा हो गया पूरा। चलो वापस आ गई तुरंत ही। और कुछ ऐसा है भाई नैनीताल का माल रोड, मतलब और जगह से मुझे थोड़ा अलग सा लग रहा है, ज़्यादा रौनक तो लग नहीं रही है। बाकी साफ़ सफाई भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकियों पे देखी थी हमने, मनाली हो चाहे दार्जिलिंग का माल रोड हो, वो सब यहाँ से अलग था। और वो सब ज़्यादा मुझे यहाँ से ज़्यादा पसंद दार्जिलिंग और मनाली का आया था माल रोड। देखिए बाकी इधर साइड में आपको डस्टबिन वगैरह हैं बैठने के लिए, चेयर्स वगैरह हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं आप कुछ देर। साइड में यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। तो गाइस अभी रुके खाने खाने के लिए, तो डिनर करते हैं।
कि भूख लग गई है, दोपहर का ही खाया हुआ था, तो अभी जस्ट खाना खाते हैं फिर यहाँ से, और बाकी जो बचा हुआ है पूरा एक्सप्लोर करेंगे, अभी मार्केट वगैरह भी थोड़ा जाएंगे और मार्केट जो है, बाकी मैं बताऊँ ना मॉल रोड पे, मॉल रोड तो कहीं भी जाओ आप, हर जगह का मॉल रोड पे जो शॉप्स होती है ना वहाँ पे सामान थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बाकी आप और अगल बगल में जो मार्केट है ना, जैसे अगर आप नैनीताल आते हो तो यहाँ पे एक बड़ा मार्केट करके है जो कि जस्ट पास में ही है मॉल रोड से, तो वहाँ पे जाओगे वहाँ पे आपको थोड़े चीप रेट्स पे मिल जाएंगे सामान। तो चलो पहले डिनर कर लेते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। बाकी यहाँ पे मैच चल रहा है देखो सामने में, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। ये आ गया भाई अपना खाना, पनीर है, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी है, रोटी। चलो टेबल छोटा है यहाँ पे, लैंप रख रखा है छोटे से टेबल पे, चार लोग होंगे तो खा भी नहीं पाएंगे इस पे। तो तो भाई डिनर हो गया अपना और बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने, मैं अकेला होता हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं खा पाता, मम्मी पापा थे इसलिए इतना ज़्यादा खा लिया साथ में, बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तो चला भी नहीं जा रहा। क्या नाम था, कैफे डे मॉल, कैफे डे मॉल नाम था भाई इस रेस्टोरेंट में खाया, खाना बढ़िया था भाई, नो डाउट बहुत अच्छा था खाना, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा खा लिया। ये देखो भाई टाइम हो रहा है अभी 9:18, और क्राउड चेक करो आप, माल रोड पे नहीं था, ख़त्म हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट अभी लोग अपने होटल वगैरह में जा चुके हैं। मैंने सोचा था थोड़ा और मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे कुछ, लेकिन भाई ऑलमोस्ट मार्केट भी बंद हो चुकी है, लोग सारे जा चुके हैं, तो अभी हम भी होटल की तरफ ही जा रहे हैं। बाकी आप अगर पीछे में दिख रहे हो इस तरफ में लेक है, लेकिन पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, मतलब उतना मज़ा नहीं आया भाई जितना मज़ा दार्जिलिंग में और मनाली में आया था माल रोड पे, कुछ उस टाइप की फीलिंग ही नहीं आ रही पता नहीं क्यों। आपने देखा होगा भाई वहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त रहती है ना, यहाँ पे देखो उस टाइप की लग ही नहीं रही है भाई, और इधर लेक है ना, लेक के साइड में भी लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं, अंधेरा पड़ा हुआ है पूरा। भाई कुत्ता चेक करो पहाड़ का कितना ज़बरदस्त है, फिर उठ गया भाई, अलग ही लग रहा है, कुत्ता लगी हुई है। चले रहे ये शेर भाई, इसका भी कौन से ऐसे नहीं है सब, किस चीज का बना हुआ है ये, वो डस्ट का बना हुआ है, किसका डस्ट का, लकड़ी के बुरादे से, तो लकड़ी के बुरादे से बना हुआ है यार, शाइनिंग ये सब ठीक नहीं लग रहा, ऐसा ही होगा, अच्छा ऐसा ही होगा, एक दूसरा और एक पिछले आने लगा, नहीं यार क्या हो रहा है, कहाँ खराब हो रहा है ये बताइए, गंदा दिख रहा है, गंदा नहीं है ये, लकड़ी के बुरादे का शेडो होता है ना, वो धुलने से भी नहीं जाएगा, वो ऐसा ही रहेगा किसी में भी ले लो, हाँ ये सब लकड़ी के बुरादे का शेडो है, लकड़ी का बुरादा होता है ना, उसे स्प्रे से मारते हैं हर जगह ना, तो वो ऐसा ही दिखेगा, वो आपका गंदा भी होगा, साफ भी करेंगे तो भी ऐसा ही रहेगा। ये भी बुरादे का है, वो डस्ट का होता है, तो गिरेगा तो वैसे गिरेगा तो ब्रेक होगा। हेलो ये कितने का, ये 950 का, 950 का जी, कैटरीन का कौन है ये टू बेडरूम है नहीं ऐसी। तो भाई यहाँ पे ले लिया हमने एक शेर, ये वाइट वाला जो इधर रखा हुआ है ना ये ले लिया, पैक कर रहे हैं भैया, बढ़िया से पैक करना क्योंकि दूर ले जाना है ना भैया, अच्छे से करना एकदम। ये देखो भाई अभी हम आ गए जहाँ पे हमारा होटल है ना, ये वाला जो ऊपर देख रहे हैं इसमें हम रुके हुए हैं, और अभी मार्केट जो है बंद हो चुकी है, और मैं शटर देख रहा था भाई सभी दुकानों के, और कुछ यहाँ के घर के डिज़ाइंस ये देखो कैसे कैसे हैं, और शटर देखो सब पे पेंटिंग हो रखी है अच्छी अच्छी, ये देखो भाई कैसा होटल है, जितनी भी दुकान है ना टोटल दुकानों की शटर पे पेंटिंग हो रखी है, अच्छा लग रहा है, जितना खुले में अच्छा लग रहा था उससे ज़्यादा तो बंद में अच्छा लग रहा है। देखो ये देखो नैनीताल ऊन वाले वही कह रहा हूँ ना मैं, बहुत अच्छा जब मार्केट खुला था उससे अच्छा भी लग रहा है बंद में, वहाँ देखो तो बैठे हुए। तो पहुँच गए भाई वापस रूम पे, चाबी कहाँ है,
तो गाइस अभी होटल रूम पे वापस आ गया हूँ और इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे सुबह में, क्योंकि अभी तो रात हो गई, सब कुछ बंद हो गया था, मैंने आपको दिखाया पूरा माल रोड जो है बंद हो चुका था। तो सुबह में कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को और सुबह में सबसे पहले जाएंगे हम यहाँ पे जो राज्यपाल जो होते हैं ना, जो गवर्नर का हाउस होता है ना राजभवन, वहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे उसको, अंदर से पूरा एक्सप्लोर करेंगे, अंदर जाना अलाउड है यहाँ पे। तो गवर्नर हाउस जाएंगे सुबह में और एक जगह और है नैना देवी मंदिर भी जाएंगे, क्योंकि अभी जा नहीं पाए थे, तो सुबह में नहा धोके जाएंगे दर्शन करने के लिए। बाकी ये देखो भाई विंडो से व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है रात में, पूरा मार्केट सब सारी दुकानें बंद हो गई हैं और यहाँ से देखो बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में, सारे शटर्स दिख रहे हैं ऊपर से। तो चलो अभी सो जाते हैं और फिर सुबह में कंटिन्यू करते हैं। गुड नाइट।